जय श्री कृष्ण। मैं मानसी भाटिया आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए आज के श्रीनाथ जी प्रभु के दर्शन करते हैं। आज की तारीख 23 जून 2021, तिथि ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी। विशेष में आज तिलकायत श्री गिरधारी जी महाराज का उत्सव है। आप सभी को तिलकायत श्री गिरधारी महाराज के उत्सव की बधाई। सेवा क्रम में आज उत्सव होने के कारण श्रीजी मंदिर के सभी मुख्य द्वारा की दहलीज को पूजन कर हल्दी से लिपी जाती है एवं आशापाल सूत की डोरी की वंदनमाल बांधी जाती है। दिन में सभी समय जारी जी यमुना जल से भरी जाती है और दो समय की आरती थाली में की जाती है। प्रभु को नियम के वस्त्र और श्रृंगार में केसरी धोती पटका एवं दुमाला के ऊपर सहरा धराया जाता है। श्री जी को गोपी वल्लभ एवं ग्वाल के भोग में विशेष रूप से केसरयुक्त जलेबी के टुक एवं दूध घर में सिद्ध की गई केसरयुक्त बासुंदी की हांडी आरोगाई जाती है। राजभोग में अनसखड़ी में किशमिश का रायता एवं सखड़ी में खंडरा प्रकार आरोगाए जाते हैं। खंडरा प्रकार प्रसिद्ध गुजराती व्यंजन खांडवी का ही रूप है। इसे सिद्ध करने की प्रक्रिया बहुत हद तक उससे प्रेरित है। केवल खंडरा सिद्ध कर उन्हें घी में तला जाता है, फिर अलग से घी में हींग जीरा का छौंक लगाकर खांड का रस पधराया जाता है और तले खंडरा में उसे पधरा कर थोड़ा नमक डाला जाता है। प्रभु सेवा में इस सामग्री को खंडरा की कड़ी कहा जाता है और यह सामग्री वर्ष में कई बार बड़े उत्सवों पर विशेषकर अन्नकूट पर आरोगाई जाती है। भोग समय फीका घी में तला बीज चालनी का सूखा मेवा आरोगाया जाता है। राजभोग दर्शन में आज केसर की धोती पहनते हैं प्रभु और केसरी उपरना ओढ़ते हैं। तिलक मुद्रा में बैठ के लक्ष्मण भट्ट धाम प्रभु जाते हैं। साज में आज श्री जी में केसरी मलमल की उत्सव के कमल के काम वाली एवं रूपारी जरी की तुई लेस की किनारी के हांसिया से सुसज्जित पिछवाई धराई जाती है। गादी तकिया एवं चरण चौकी पर सफ़ेद बिछावट की जाती है। वस्त्र में आज श्री जी को केसरी मलमल की धोती एवं राजशाही पटका धराया जाता है। दोनों वस्त्र रूपारी जरी की तुई लेस की किनारी से सुसज्जित हैं। श्रृंगार में आज प्रभु को मध्य से दो अंगुल नीचे घुटने तक उष्णकालीन हल्का श्रृंगार धराया जाता है। मोती एवं उत्सव के मिलवा सर्व आभरण धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर केसरी रंग के दुमाला के ऊपर मोती का सहरा और पांच हीरा के फूल एवं बाईं ओर सिस फूल धराया जाता है। दाईं ओर सहरे की हीरे की चोटी धराई जाती है और मोती की बगदी धराई जाती है। श्री करण में हीरा के मयूराकृत कुंडल धराए जाते हैं। श्री कंठ में कली आदि सब मालाएं धराई जाती हैं। आज हांस और त्रवल नहीं धराए जाते हैं। श्वेत पुष्पों की दो सुंदर कलात्मक मालाएं धराई जाती हैं। श्री हस्त में दो कमल की कमल छड़ी, जड़ाव मोती के वेणुजी एवं दो वेत्रजी धराए जाते हैं। पट उष्णकाल का गोटी राग रंग की, आरसी में श्रृंगार पीले खंड की एवं राजभोग में सोने की डांडी आती है। आज के दिन सेवा का लाभ लेने विशाल बाबा नाथ द्वारा पधार गए हैं। तिलकायत महाराज आज नाथ द्वारा पधारेंगे। कल ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को प्रातः श्री जी को ग्वाल भोग धराकर तिलकायत महाराज श्री चिरंजीवी विशाल बाबा मुखिया जी भितरिया श्री जी एवं नवनीत प्रिय जी के अन्य सेवकों को और वैष्णव जनों के साथ मंदिर में ही स्थित भितरली बावड़ी पर ज्येष्ठाभिषेक के लिए जल लेने पधारेंगे। स्वर्ण एवं रजत के पात्रों में जल भरकर लाया जाएगा और शयन समय इसका अधिवासन किया जाएगा। आशा करती हूँ आज के दर्शन आप सभी को पसंद आए होंगे। ऐसे ही नित्य दर्शन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।